रविवार को समीपस्थ ग्राम तर्री में हरियर ग्राम समिति के तत्वाधान में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजिम तहसीलदार ओपी वर्मा, एसआई श्रवण मिश्रा, जनपद सदस्य संगीता शर्मा, सरपंच पुष्पा हरीश बैरवा, उप सरपंच वर्षा संतोष मिश्रा, ईश्वरलाल देवांगन, पूर्व सरपंच विजय रात्रे, जितेंद्र वर्मा सहित दलगत राजनीति से परे गांव के वरिष्ठ जन, बुद्धिजीवी, शिक्षक, वकील व सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे, जिसमें सभी लोगों ने सार्वजनिक सामूहिक प्रयास से गांव के अटल समरसता भवन में प्रथम वृक्षों का पूजन अर्चन किया, फिर वृक्षारोपण का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसके तहत नवापारा से कुरुद ग्राम पर अतिथियों द्वारा बादाम, गुलमोहर, शीशम, नीम एवं छत्तीसगढ़ में विलोपित हो जाने वाली प्रजातियों के वृक्ष जैसे डूमर के भी वृक्ष लगाए गए। कार्यक्रम में पहुंचे राजिम तहसीलदार ओपी वर्मा ने कहा कि हरिहर ग्राम समिति का यह प्रयास काफी सराहनीय व अनुकरणीय है। वृक्षों का महत्व हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हम प्रकृति की महत्ता को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में यह समिति के लोग प्रकृति प्रेम के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं वह धन्यवाद का पात्र है। जनपद सदस्य संगीता शर्मा ने कहा कि गांव के सभी लोग मिलजुल कर वृक्षारोपण कार्य कर रहे हैं, यह एक गांव के विकास के लिए कल्याणकारी कदम है। मानव अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पौधे व प्रकृति का अत्यंत दोहन कर रहा है, जिसके चलते आज गंभीर बीमारियां व प्राकृतिक आपदाओं का सामना हमें करना पड़ रहा है। वृक्षारोपण से निश्चित रूप से ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। सरपंच पुष्पा हरीश बैरवा ने कहा कि समिति के इस सामूहिक प्रयास से गांव का स्वरूप निखरेगा। समिति के नाम के अनुरूप ही गांव को हरियर बनाने का काम किया जाएगा। गांव के वरिष्ठ नागरिक ईश्वरलाल देवांगन व शिक्षक दीपक शर्मा ने तर्री गाँव कि प्राचीनतम स्वरूप को बताते हुए कहा कि हमारा हरा भरा जंगल की तरह रहने वाला तर्री अवैध व वैध तरीके से बसावट से उजाड़ होता चला गया। उसी परिवेश को वापस लाने हेतु हम सभी संकल्पित होकर एक मुहिम चला रहे हैं। हमने प्रतिज्ञा ली है कि तर्री में पुनः हरियाली विकसित कर उसे ऑक्सीजन के रूप में तब्दील करेंगे। वही हरियर ग्राम समिति के अध्यक्ष संतोष साहू ने कहा कि गाँव में पेड़ पौधे के अभाव को दूर करने के उद्देश्य से यह पहल किया गया है। हमारा मुख्य उद्देश्य गांव को हरा भरा बनाना है, इसे आयुर्वेदिक गांव बनाना है। हर व्यक्ति पेड़ लगाए और उसकी सुरक्षा व संवर्धन का भी जिम्मेदारी ले। समिति का मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण, संरक्षण व संवर्धन है। आगे भी वृक्षारोपण संबंधी ऐसे कार्य समिति द्वारा होते रहेंगे। कार्यक्रम में और भी लोगों ने वृक्षारोपण को लेकर अपने विचार साझा किए और पेड़ लगाने और पेड़ बचाओ के संकल्प लिए। कार्यक्रम को सफल बनाने में हरियर ग्राम समिति के अध्यक्ष संतोष साहू, पंडित संतोष मिश्रा, हरीश बैरवा, रामा यादव, डॉक्टर लिकेश साहू, शिक्षक हेमंत लाल साहू, ओम प्रकाश चंद्राकर, हेमनाथ कोसरे, महेश नेताम, जयंत पाटकर, आरएल साहू, शोभाराम साहू, दीपक शर्मा, मेघनाथ यादव, रामनारायण यदु, हेमंत देवांगन, मनीष देववर्मा, परमेश्वर देवांगन, गोलू, राजू देवांगन, मीडिया प्रभारी योगेंद्र निषाद, शीतल मानिकपुरी, गुरुचरण साहू सहित गांव की सक्रिय महिला स्वसहायता समूह से भारती देवांगन, हेमा साहू, पार्वती साहू व लता साहू का भी सराहनीय योगदान रहा। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन भी उपस्थित रहे। डीएनएक्स टीवी के लिए नवापारा राजिम से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। पर जनपद सदस्य संगीता शर्मा जी यहाँ पर है। जी मैम, आज जो तर्री गाँव वृक्षारोपण हो रहा है, संबंध बताइए। आज तर्री गाँव में वृक्षारोपण बहुत सराहनीय है। आज सारे जितने भी शिक्षक हैं, मिल के, समाज सेविक हैं, मिल के वृक्षारोपण कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगा देख के कि अपने दम पे अपने सब मिल के समाज वाले कर रहे हैं, सब समाज मिल के कर रहे हैं। ये चीज़ देख के अच्छा लगा, क्योंकि प्रकृति से हम ही लोग खिलवाड़ करें, इसके कारण ही आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा, भुगतना पड़ रहा। कोरोना जैसी स्थिति आ रही है, वातावरण पूरा प्रदूषण हो रहा है, और पानी देखिए, कभी भी बरसात, कभी भी गर्मी में आ जाती है, कभी भी बाढ़ आ जाती है, ये सब चीज़ें हो रहा है। ये हमारे लिए ही बीमारी का घर है, बीमारी का घर बन रहा है। कोरोना जैसी स्थिति, महामारी इसीलिए ही पैदा हुई है। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएँ और उसका रक्षा भी करें। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, जो हम बड़ा होते तक रक्षा करते हैं, ऐसे वृक्ष लगाने के बाद भी उसे पानी, खाद दें, और आसपास वाले हम सब मिल के ही उसका रक्षा करेंगे, तभी हमारा आने वाली पीढ़ी सुखी रहेगी। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, और सब भाइयों से अनुरोध करना चाहती हूँ, खासकर बहनों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस कोरोना काल में अपना सुरक्षा स्वयं करें, और खासकर महिलाओं से कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों का, अपने पति का, फालतू अगर घर से निकल रहे उन्हें मना करें कि आप ना निकलें, और मुँह में पट्टी बांध के, हाथ सैनिटाइज करके, ज़्यादा भीड़ की स्थिति में ना जाएं और घर में ही रहें, वो ज़्यादा बेटर है।
हाँ बताइए। आज से 50-60 साल पहले ये जो क्षेत्र है तेंदू और महुआ के वृक्षों से भरा हुआ था, देखते ही देखते इस प्रकृति में कंक्रीट के बस्तियाँ उगाई और हमने अपने आँख के सामने ही वृक्षों को धराशायी होते देखा। तो हमारे गांव में ये विचार आया कि पुनः हम वृक्ष लगाएं, पर्यावरण को सुरक्षित करें और गांव में हम पुनः हरियर ग्राम को हम वापस लाएं। और यहाँ के ऊर्जावान हमारे साथी हैं, वो लोग आपस में जुड़ करके इस पूरे ग्राम को हरा भरा बनाने के लिए जुड़ गए हैं और हम भविष्य में हम सभी प्रबुद्ध जन जितने हम ग्राम के नागरिक हैं साथ में रह करके एक प्रतिज्ञा करते हैं कि पूरे सर्रे ग्राम को एक हरियाली ऑक्सीजन जोन के रूप में हम विकसित करने का प्रयास करेंगे। आपका नाम? मैं दीपक कुमार शर्मा। हमारे गाँव में पेड़ पौधों का अभाव स्पष्ट रूप से दिखता है और उसी को पूरा करने के लिए हमारे गांव के युवा साथियों और प्रबुद्ध वर्ग द्वारा एक सराहनीय पहल किया जा रहा है, जिसमें गांव में कम से कम एक आदमी एक पौधा रोपे और उसका देखभाल करे। हमको ज़्यादा पौधा नहीं रोपना है, केवल एक पौधा रोपना है और उसका देखभाल करना है और लोगों को मानसिक रूप से भी जोड़ना है इसमें कि वो पौधा कोई नुकसान पहुँचा रहा है या गार्ड को कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उसका भी देखभाल करें। तो कम से कम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से सभी लोग जुड़े हैं और भविष्य में आशा है कि हमारा जो कार्यक्रम है सभी को बहुत अच्छा लग रहा है और सब लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो बृहद भविष्य में बृहद रूप में इस कार्यक्रम को और करेंगे। अभी तो एक छोटा सा लगभग 70-75 पौधों का भी उद्देश्य लेके चल रहे हैं। कौन कौन से पौधे हैं उसके बारे में बताइए। ये हमारे पास अभी काजू, बादाम है, गुलमोहर, करण, जामुन, अभी इन्हीं प्रजाति के हैं फिलहाल। छायादार, ये सभी छायादार हैं और कुछ फलदार हैं। भविष्य में हम लोग फलदार की ज्यादा ये करेंगे, औषधि पौधे हैं ये सब वृक्षारोपण इसका करेंगे, है ना। गांव को एक आयुर्वेद ग्राम भी बनाने की कोशिश करेंगे और हरियर ग्राम भी बनाएंगे और उसमें सभी का सहयोग अच्छा समझ रहे हैं, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। सर आज के कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त में जानकारी। ग्राम पंचायत कर्री में हरियर ग्राम समिति एवं ग्राम पंचायत कर्री के संयुक्त तत्वाधान में वृक्षारोपण का महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसमें ग्राम के सभी प्रबुद्ध जन, शासकीय सेवक, शिक्षक सभी लोग आए थे और एक बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। वृक्ष का महत्व हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। आज हम अपने प्रकृति को भूलते जा रहे हैं और पुनः नए सिरे से लोगों में जागरूकता अभियान के माध्यम से वृक्ष लगाकर अपने पर्यावरण को हरा भरा करने का हरियर ग्राम समिति का सराहनीय पहल के लिए मैं सभी को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ गांव की सरपंच पुष्पा हरि बेरवा यहाँ पर हैं। जी मैम बताइए, आज जो गांव में वृक्षारोपण हो रही संबंध में। हमारे ग्राम तरी में हरियर ग्राम समिति के का निर्माण किया गया है। इसमें आज हम लोग अपने ग्राम में अच्छी लोग संगीता शर्मा जी हैं और मुख्य जो तहसीलदार हैं उन लोग आमंत्रण किए थे, सभी लोगों ने अपना योगदान इसमें दिए हैं और तर्री ग्राम के रोड के किनारे कम से कम 50-60 पेड़ हम लोग लगा रहे हैं। इसमें सभी लोग का योगदान भरपूर रहा है और सभी लोग चाह रहे हैं कि अपने ग्राम को हरियर ग्राम का नाम दिए हैं तो इस नाम को भी उजागर करें और आगे इस प्रक्रिया को अभी शुरुआत है और आगे प्रक्रिया यही है कि हम लोग की सोच है कि आगे भी हम लोग ये कार्य को सफल बनाने में सभी ग्रामवासी एवं सभी विशेष अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं उन सभी का सहयोग चाहते हैं और सभी ने अपना अपना भरपूर सहयोग दिए हैं इसमें